Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel, Tarot with Shivi 888. Guys, reading को start करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो guys please subscribe my channel. Guys, एक general reading है तो हो सकता है सभी के साथ resonate हो सकता है ना हो, तो आप इस reading को positive way में लीजिएगा. जितना आपसे रेजोनेट हो से रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए. और गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी. और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी. गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है. ओके गाइस, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है. ओके सो आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक अब हम करेंगे. गाइज, मेरा एक और न्यू चैनल है साइकिक टैरो शिवी 888 के नाम से. तो अगर अभी तक आपने उस चैनल को नहीं देखा है तो गाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहां पर मैं रोज एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं शॉर्ट वीडियो होगा वो, जहां पर एंजल गाइडेंस होगी. और उसी में मैं गाइज आप लोगों को धीरे धीरे काफी सारा जो बेसिक आप लोग जानना चाहते हो नर्वाद के बारे में वो भी बताऊंगी. ठीक है, तो वहां पर शाम को आएगा. और गाइज, मैं एक चीज और बोल रही हूँ, जो मेरा दोपहर में जो वीडियो आता था वो मैं एक वीडियो रात में शिफ्ट कर दूंगी. ठीक है, वो दोपहर की जगह रात में आएगा. ओके, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज. ओके, यहाँ पहली एनर्जी है गाइज नाइट ऑफ वैंड्स की. ओके, यहाँ पर पहली एनर्जी बनी है गाइज नाइट ऑफ वैंड्स की. सो ये पर्सन आज के दिन में, इस पर्सन की जो एनर्जीज हैं वो आपकी तरफ एक्शन वाली हैं. ठीक है, नाइट ऑफ वैंड्स दिखा रहा है कि ये पर्सन काफी पैशनेट थे आज के दिन आपकी, मतलब आज के दिन में आपकी तरफ. एंड ऑल्सो इस पर्सन का जो एक्शन है वो मुझे आपकी तरफ नजर आता है. ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है गाइस इस पर्सन ने आपको कुछ शो किया हो आज के दिन में, या फिर इस रीडिंग के पहले भी ये हो सकता है. ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के बाद ये रीडिंग देखने के बाद ये बात रेजोनेट करे, पर यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मुझे एक्शन की एनर्जी नजर आ रही है. तो किसी तरीके का जेस्चर, ऑफर, कॉल, मैसेज, डेफिनेटली कोई एक्शन तो आपकी तरफ यहाँ पर डेफिनेटली हुआ है गाइस. यहाँ पर मुझे आप लोग, यहाँ पर जो मुझे एनर्जी मिल रही है इस पर्सन की तरफ से, वो मुझे यहाँ पर ये बता रही है गाइस कि आज के दिन में आप दोनों एक दूसरे से काफी काफी, मतलब कनेक्शन बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है. जैसे डीप कॉन्वर्सेशन आपकी इस पर्सन के साथ हुई है और बहुत लाइट कॉन्वर्सेशन है ये. मैं ऐसा कह सकती हूँ गाइस कि इसमें कोई झगड़ा या फिर कोई भी पुरानी बात नहीं नजर आती. मतलब ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल कनेक्टिविटी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है. तो कॉन्वर्सेशन की भी एनर्जी है. तो ये भी हो सकता है गाइस कि कुछ लोगों के पर्सन इस तरीके से आपसे, यू नो, डीप कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे थे आज के दिन में, और इन्होंने आपको मैसेज डेफिनेटली यहाँ पर किया हो सकता है. कुछ लोगों को तो डेफिनेटली आया होगा और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है बिकॉज की पर्सन आपने से बहुत ही ज्यादा लाइक, यू नो, जैसे कोई अपनी अपनी दिल की बहुत सारी बातें आपको बता रहा है यहाँ पर, ऐसी एनर्जी है. ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ की एनर्जी है यहाँ पर. सो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ना बहुत ज्यादा आपकी वर्थ देख रहे हैं. जैसे मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि ये जो एनर्जी है ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी है. जो मेरे व्यूअर्स हैं वो काफी काफी वर्दी हैं इस टाइम, या फिर वो अपनी वर्थ दिखा रहे हैं अपने पर्सन को, या फिर आपके पर्सन आपकी एनर्जीज को महसूस कर पा रहे हैं गाइस. तो मतलब जैसे एक होता है ना कि एक रिस्पेक्ट जो आप सामने से मुंह पर बोल के देते हो, ये जो मैं हमेशा बोलती हूँ ना गाइस कि रिस्पेक्ट का मतलब वो नहीं है जो कोई आपकी मुंह से तारीफ करे. रिस्पेक्ट वो होती है जब उसके दिल से निकले कि नहीं यार कोई कुछ बात तो है इस इंसान में. ठीक है, तो ये वो एनर्जी है कि नहीं यार कुछ बात तो है इस इंसान में, ये वो एनर्जी है गाइस. चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप लोग यू नो मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, लेकिन इस पर्सन को आपने अपनी वर्थ शो की है. ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर स्पेशली नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मुझे सेल्फ वर्थ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है. ऑल्सो मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस जैसे इस पर्सन ने आपको आज के दिन में यहाँ पर, मतलब जैसे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कुछ छोटा सा गिफ्ट इस पर्सन ने आपको ऑफर किया है आज के दिन में. ठीक है,
कोई बात हो सकती है गाइस, कुछ ऐसा, कुछ ऐसी बात इस पर्सन ने आपको बताई हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे जैसे आप लोगों ने डीप कॉन्वर्सेशन की। इस पर्सन ने आपको कुछ ऑफर भी किया यहाँ पर, तो ये मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस जैसे आपके पर्सन ने आपको कोई पुरानी बात यहाँ पर बताई है जो आप बहुत टाइम से इस पर्सन से जानना चाह रहे थे। ठीक है, यहाँ पर आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है गाइस। ठीक है, यहाँ बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस काफी ज्यादा है, मतलब काफी ज्यादा एज डिफरेंस नजर आता है। और यहाँ पर मुझे हाइट का भी डिफरेंस नजर आ रहा है, यानी कि आप दोनों में जो हाइट है आप लोगों की, देखिए किसी में एज डिफरेंस है किसी में हाइट का है, बिकॉज इसी तरीके की इमेज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर गाइस मुझे मुझे यहाँ पर यू नजर आ रहा है, यहाँ पर जे लेटर है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है गाइस जैसे कोई आपका हाथ पकड़ के, दो लोग हैं हाथ पकड़े हुए हैं, जाने की एनर्जी है ये। मुझे एनर्जी देखकर ऐसा लग रहा है गाइस जैसे आपके पर्सन आपका हाथ थाम रहे थर्ड पार्टी को छोड़कर। ये बहुत बहुत स्ट्रांग मैसेज है, बहुत स्ट्रांग मैसेज है। यहाँ पर मुझे दो लोग नजर आ रहे हैं जो हाथ पकड़ के जा रहे हैं, और एक कोई पीछे से इंसान देख रहा है। और जिस तरह की एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेकर जा रहे हैं, और यहाँ से थर्ड पार्टी देख रही है, देख रहा है ये जो भी है। ठीक है, मतलब एक्शन है आपके पर्सन का, आज की रीडिंग में एक्शन है आपके पर्सन का आपकी तरफ। ठीक है, कुछ दिन पहले मुझे यूनियन की एनर्जीज नजर आ रही थी। ठीक है, और डेफिनेटली यहाँ पर 12th पोर्टल आने वाला है, सो न्यू ईयर भी आ रहा है, तो किसी का समय तो यहाँ डेफिनेटली बदलने वाला है गाइस। ठीक है, बहुत बहुत बधाई। कल किसी एक मेरे व्यूअर ने कल बताया था कि उसका फेब्रुअरी से नो कांटेक्ट था, और उसके पर्सन ने कल मैसेज किया, यानी कि पूरे के पूरे साल भर बाद। ठीक है, फरवरी से लेकर दिसंबर में मैसेज आ रहा है, इसका मतलब पूरे पूरे 11 महीने के बाद मैसेज आया, सॉरी बोला उसके पर्सन ने, एंड उन दोनों की अच्छे से बात हुई है नॉर्मली। तो गाइस एवरीथिंग इज पॉसिबल। वो मुझे लगता है वो मुझे तब से फॉलो कर रही है जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है अपना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मिरेकल्स नहीं होते हैं गाइस, बस कुछ लोग विश्वास नहीं रख पाते हैं। आपको गाइस आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, या इस पर्सन को आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद है, या फिर मुझे इस तरह से एनर्जी लग रही है जैसे ये पर्सन, मुझे ये डेट की एनर्जी लग रही है गाइस, जैसे इस पर्सन ने आपसे मिलने की बोला हो, बिकॉज जिस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि आइसक्रीम ऑफर कर रहे हैं या कुछ गिफ्ट आपको ऑफर कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, ये मिलने वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नजर आ रही है। यहाँ पर गाइस क्राउन चक्रा की एनर्जी है, इस पर्सन का जो क्राउन चक्रा है वो मुझे एक्टिव नजर आता है। ठीक है, तो अभी ये एनर्जी है गाइस कि आपके पर्सन इतना जो अच्छे से एक्शन ले पा रहे हैं, या फिर जैसे मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ, बहुत लाइट और बहुत प्यारी एनर्जी है ये। तो मुझे ऐसा लगता है फुल मून पर कुछ लोगों की यहाँ पर विश पूरी हो रही है। ठीक है, यूनियन है यहाँ पर, मिलने की एनर्जी यहाँ पर, एक्शन की एनर्जी है, काफी ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ऑल्सो मुझे लॉर्ड गणेशा की एनर्जी भी यहाँ पर फील हो रही है। ठीक है, इस पर्सन की जो एनर्जीज है काफी किंग टाइप एनर्जी है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा किंग टाइप एनर्जी है गाइस इस पर्सन की। बहुत ही ज्यादा मुझे ऐसा लगता है जैसे अच्छी अच्छी एनर्जी है, मतलब ऐसा बोल सकती हूँ कि मैं अच्छी फैमिली से है, रिच फैमिली से ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, अबंडेंट डेफिनेटली ये पर्सन है, स्टेबल है बहुत अच्छे से। यहाँ पर आर्कएंजल रेफियल की एनर्जी भी है गाइस। ठीक है, ये इस पर्सन का जो ये हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है आपके लिए, इसमें आर्कएंजल रेफियल का मुझे स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है, तो आप लोग ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं आर्कएंजल रेफियल को। ठीक है, बिकॉज इस पर्सन का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, ऐसी एनर्जी भी है, तभी इस पर्सन को मैं देख पा रही हूँ अपने लव को एक्सेप्ट करते हुए ऑल्सो एक्शन लेते हुए भी।
यहाँ पर मुझे एक वन वन दिखाई दे रहा है, नंबर वन. सो ये पर्सन आज के दिन में आपको लेकर ये सोच रहे थे कि आप दोनों की जोड़ी जो है वो नंबर वन जोड़ी है, मतलब कंपैटिबिलिटी तो ये पर्सन आपके साथ देखते ही है. लेकिन इस पर्सन के मन में ये भी है कि आप दोनों की जो यू नो आप दोनों की जो जोड़ी है उसको सब यही बोले कि मेड फॉर ईच अदर और यू नो नंबर वन जोड़ी. लाइक यहाँ पर वन का वन नंबर है तो डेफिनेटली नंबर वन. तो इस पर्सन को हो सकता है हर चीज में नंबर वन रहने की आदत हो. जैसा मैंने कहा अबंडेंट है ये पर्सन, स्टेबल है ये पर्सन, तो इस पर्सन को हर चीज में नंबर वन ही रहना है, चाहे जोड़ी हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, ठीक है, कुछ भी हो इस पर्सन के पास. इस पर्सन को हर चीज बेस्ट चाहिए शायद अपनी लाइफ में, ऐसा इस पर्सन का मत हो सकता है जैसे मैं एनर्जी देख रही हूं. मुझे ऐसा लगता है गाइस थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन से बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है. जो आज की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है ये बताने की कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी थर्ड पार्टी रिलीज होगी बहुत सारे लोगों के कनेक्शन से. अगर गाइस आप पूरी तरीके से बैलेंस्ड हैं और आप अपने ऊपर अच्छा फोकस बना चुके हैं और अपने ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं तो गाइस यहाँ पर मिरेकल आपके साथ भी डेफिनेटली पॉसिबल है. ठीक है, कुछ लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ये बोलते हैं कि मैम आप सिर्फ इतना बताइए कि पर्सन मेरा वापस कब लौट कर आएगा, और मैं हमेशा एक ही जवाब देती हूँ कि उसका आना कोई भी यू नो आपका जो भी पर्सन है वो कब लौट कर आएगा ये आपके खुद के लेसन्स पर और आपके खुद के एक्शंस पर डिपेंड करता है. ठीक है, हम आपको एक डेट दे भी सकते हैं, जब हम आपकी पर्सनल रीडिंग करेंगे तो हम आपको एक डेफिनेटली डेट भी दे सकते हैं. लेकिन उस डेट पर उस डेट तक जैसे कहते हैं ना कि आपका कोई एग्जाम है राइट, और आप वो एग्जाम में कुछ पढ़कर ही ना जाओ तो आप पास कैसे हो गए. उसी तरीके से हम आपको एक टाइम पीरियड बता सकते हैं कि इतने टाइम में ये काम होगा. ठीक है, लेकिन अगर उस टाइम में आप कुछ भी ना करें, आप अपने लेसन को लर्न ना करें और आप सिर्फ इंतजार करें, ठीक है, ना आप कोई अपने ऊपर काम करें, ना आप अपनी हैबिट्स को चेंज करें, ना आप कुछ सीखें, ठीक है, ना आप अपनी करियर पर, फैमिली पर, अपने बाकी कामों पर ध्यान दें, तो चीजें आपके लिए पॉसिबल नहीं है. तो जब आप ये सवाल करते हैं कि रियूनियन कब होगा, तो मेरा जवाब है आपके एक्शंस पर ये चीज डिपेंड करती है कि आपका रियूनियन कब होगा. ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बहुत सारे लोगों का होता है, बहुत सारे लोगों की लाइफ भी चेंज हुई है, उनकी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं, लेकिन वो अपने आप को देखते हैं बाकियों को देखने से पहले. ठीक है, वो उस पर्सन को भी भूल जाते हैं, लेट गो कर देते हैं कुछ समय के लिए कि मुझे अपनी जिंदगी बनानी है. जब आपका ये हो जाता है कि मुझे अपनी जिंदगी बनानी है, मेरी जिंदगी खराब हो रही है, मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है, मुझे अपने लिए बहुत कुछ करना है, तब चीजें आपके फेवर में आती हैं, तब मिरेकल्स आपके साथ होते हैं राइट. कुछ लोग न्यू आते हैं चैनल पर, उन्हें नहीं पता होता है, इसलिए मैंने उनके लिए आंसर दिया. यहाँ पर गाइस एक चीज और भी नजर आ रही है, यहाँ पर मुझे गुलाब की पंखुड़ी टाइप्स नजर आ रहा है, जैसे आपने देखा होगा ना रोज पेटल्स. ठीक है, तो मतलब जैसे चारों तरफ जैसे रोज पेटल्स बिखरे हुए हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा यू नो रोज रोज मुझे दिखाता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही प्यारी खुशबू होती है उसकी. सो लाइक इस पर्सन के लिए आप एक रोज की तरह हो. ठीक है, और हो सकता है इस पर्सन ने आपको रोज गिफ्ट किया हो, ठीक है, रोज ऑफर किया हो, लेकिन आप इस पर्सन के लिए एक रोज की तरह हो जिसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है. और यू नो इस पर्सन ने ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा आपको सरप्राइज दिया हो आज के दिन में. लाइक मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी मिल रही है जैसे मुझे रोज पेटल्स नजर आ रहे हैं जो पूरे में बिखरे हुए हैं राइट. सो इस पर्सन के लिए आप बहुत ही ज्यादा मतलब आप इसी की तरह हो कि जहां भी आप जाते हो बिल्कुल रोज पेटल्स की तरह खुशबू आपकी बिखर जाती है उतनी जगह पर, और बहुत ही पॉजिटिविटी, बहुत ही सॉफ्ट आप हो, इस तरीके से ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं गाइस. ठीक है, बहुत ही प्यारी एनर्जी, लाइक अमेजिंग. गाइस अगर आप लोगों को कोई भी कमेंट सेक्शन में मेरे नाम से व्हाट्सएप नंबर देकर बोलता है कि व्हाट्सएप करें पर्सनल रीडिंग्स के लिए, तो गाइस मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, मैं पर्सनल रीडिंग्स को बिल्कुल भी नहीं करती हूं अभी. ठीक है, तो जो भी लोग आपको ये कहें मेरी ढीपी लगाकर कि व्हाट्सएप करिए गाइस, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, मैं व्हाट्सएप मैं रीडिंग नहीं करती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स मैं नहीं करती हूँ. चलिए गाइस कुछ कार्ड से देखने की कोशिश करते हैं भी क्या निकल कर आता है, मेजर अकाना से देखते हैं. प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है. मून, फुल मून,
Devil, devil, devil. Tower. Hierophant. ओके मून का क्लैरिफिकेशन है हायरोफेंट. ओके डेविल को क्या क्लैरिफाई कर रहा है एम्परर. टावर जजमेंट. वाओ डेथ एंड टेम्परेंस. वाओ 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 यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है एम्प्रेस है जस्टिस है. यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. देखिए गाइस आपके पर्सन की लाइफ में आज के दिन में मेजर क्या हुआ है. ठीक है देखिए यहाँ पर फुल मून का असर है इस पर्सन की एनर्जी पे. ठीक है यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जो भी टावर मूवमेंट इस कनेक्शन में लंबे टाइम से चल रहा था वहां जजमेंट सर्व हो रहा है. ठीक है मतलब वहां जजमेंट हो रही है फाइनली बिकॉज यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड के साथ एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप दोनों के शिव शक्ति बैलेंस हो रहे हैं. मुझे यहाँ पर जो एनर्जी फील हो रही है वो ये गाइस कि आप दोनों का कनेक्शन देखिए मैं बताती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो 12 महीने मतलब 1 साल और 6 महीने आई थिंक इतने से मतलब 1.5 साल मुझे यहाँ से 1 साल 6 महीने की एनर्जी मिल रही है. आप लोगों का कनेक्शन 1 साल 6 महीने से आई थिंक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है. ठीक है और इतना समय आपको हो गया है या तो इन आउट करते हुए ऑन ऑफ करते हुए या फिर नो कांटेक्ट. ठीक है ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पर जैसा मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोगों के लिए ये जो कनेक्शन है वो एक डिवाइन कनेक्शन है और बहुत लंबे टाइम से यहाँ पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था और अब जाकर इतने इनर वर्क के बाद यहाँ पर आपकी इनर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी आपकी और आपके पर्सन की बैलेंस हुई है. ठीक है तो जो भी ये टावर मूवमेंट चल रहा था ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज आपके कनेक्शन में चल रहा था वहां यूनिवर्स जजमेंट कर रहे हैं. ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपके डीएम है ठीक है एम्परर की एनर्जी है आपके जो भी डीएम है वो डेफिनेटली यहाँ पर किसी कर्मा में स्टक थे विथ डेविल कार्ड. ठीक है डेफिनेटली ये किसी डेविल के साथ हो सकता है डील कर रहे हो या किसी कर्मा में स्टक हो कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं बिकॉज हेरोफेंट कार्ड के साथ यहाँ पर डेफिनेटली मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है गाइस. लेकिन जो भी है यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि इस पर्सन के लिए जो भी इसके काउंटर पार्ट हैं ठीक है जो भी हाई प्रीस्टेस और यू नो एम्प्रेस की एनर्जी में है जो भी हायर वाइब्रेशन में है उसके पर्सन यहाँ से निकल जाएंगे मतलब इस थर्ड पार्टी से निकल जाएंगे. ठीक है इस डेविल एनर्जी से निकल जाएंगे इस जजमेंट के साथ. मतलब यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ गाइस कि अगर आप हायर वाइब्रेशन में है तो ये पर्सन डेफिनेटली इस एनर्जी को रिलीज कर देंगे इस पार्टनर को रिलीज कर देंगे. ठीक है आपका जो इनर वर्क है क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं शिव शक्ति इनर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है. डेफिनेटली अगर आप इस पर्सन के लिए डेस्टाइन हैं ओके और आप दोनों का कनेक्शन डेस्टाइन है तो यहाँ पर अगर आप अपने अंदर शिव शक्ति बैलेंस करते हैं मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस करते हैं हायर वाइब्रेशन में जाते हैं तो इसका जो असर है वो आपके पर्सन के ऊपर भी पड़ेगा और इस पर्सन को भी क्योंकि आपका कनेक्शन डेस्टाइन है तो ये पर्सन ऑटोमेटिकली इन सारी चीजों को ये डेविल जो भी है इसको ऑटोमेटिकली रिलीज करेंगे. ठीक है ये कर्मा रिलीज होगा इस पर्सन की लाइफ से. ठीक है बहुत तेजी से कर्मा रिलीज होगा और ठीक है ना ये चीज नजर आ रही है. लेकिन आपकी एनर्जी ये होनी चाहिए गाइस. ठीक है ये एनर्जी आपकी भी होनी चाहिए. अगर आप आज भी परेशान हो रहे हैं और कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं तो अभी आपको इंतजार करने की जरूरत है. ठीक है कोई फायदा नहीं है गाइस शुगर कोट करके बताने का. ठीक है क्योंकि बहुत सारे मैनिफेस्टेशन स्पेल्स वगैरह होते हैं लेकिन मैं जितना मेरा मानना है वो ये है कि आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस लेसन को लर्न करना जो आपको उस व्यक्ति के द्वारा सिखाया गया. दूसरा अपनी कमियों के ऊपर काम करना अपने को हायर वाइब्रेशन में लेकर जाना उसके बाद यूनिवर्स से आपको कुछ मांगना नहीं पड़ता है ऑटोमेटिकली वो आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं आपकी लाइफ में मिरेकल भेज के. ठीक है और अगर आप स्पेल्स मैनिफेस्टेशन करके चीजों को करने की कोशिश करते हैं यानी कोई शॉर्टकट आप अपनाने की कोशिश करते हैं तो वो परमानेंट रियूनियन में नहीं आ पाता है वो टेम्पररी तो आपका हो जाएगा वहां पे रियूनियन बात हो जाएगी आपकी. लेकिन क्योंकि वो पर्सन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया उसका कारण ये भी है क्योंकि आप में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया तो ना आप में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो आपके पर्सन में भी नहीं आएगा और उसके बाद फिर आपकी कहानी दोबारा से रिपीट होगी मतलब एक साइकिल दोबारा से घूमेगी. ठीक है इसीलिए जरूरी है आप लोगों को कि कुछ समय के लिए आप इस पर्सन से डिस्कनेक्ट हो जाएं और खुद पर काम करें और खुद को अपना समय दें.
और अपने आप को हायर वाइब्रेशन में लेकर जाएं, उसके बाद जिस तरीके की बैलेंस्ड एनर्जी आपकी होगी उसी तरीके का बैलेंस्ड पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है, जो आपको उतनी ही अच्छे से ट्रीट करेगा जितने अच्छे आप अंदर से हैं, राइट। बाकी गाइस यहां पर मेरा काम है आपको गाइड करने का। हैंड मैन, सिक्स ऑफ वैंस, ओके, एम्परर, ये आपके डीएम की एनर्जी है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वैंस एंड हर्मिट, बॉटम से स्ट्रेंथ और स्टार एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके ओके ओके, स्ट्रेंथ स्टार एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर देखिए इस पर्सन के लिए क्या है गाइस, ये पर्सन बहुत लंबे टाइम से हर्मिट में थे, ठीक है, ये जो आपके डीएम है ये बहुत लंबे टाइम से हर्मिट में थे, और ये जो चीजें हैं वो इस फुल मून पर मैं देख रही हूँ गाइस कि ये जो हर्मिट एनर्जी से आपके पर्सन बाहर आ रहे हैं बहुत स्ट्रेंथ के साथ, ये चीज बाहर निकल कर आ रहे हैं बिकॉज नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ पर ये डेफिनेटली यहाँ पर कोई एक्शन यहाँ पर आपके पास ले सकते हैं और ये बहुत सडन और क्विक एक्शन होने वाला है। सिक्स ऑफ वैंड कार्ड के साथ ही गाइस ये पर्सन बहुत लंबे टाइम से इस चीज का वेट कर रहे थे, सक्सेस का वेट कर रहे थे, बिकॉज जहां तक मैं देख पा रही हूँ गाइस हैंगमैन और सेवन ऑफ पेंटिकल्स इस पर्सन ने बहुत पेशेंस रखा है और बहुत स्टक रहे हैं ये आप ही की तरह। लेकिन यहाँ पर गाइस स्टार कार्ड के साथ डेफिनेटली यहाँ पर हीलिंग हुई है और ये पर्सन स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, सब छोड़िए आप, ये पर्सन स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, ठीक है, आपके जो भी डीएम है काउंटर पार्ट है वो स्ट्रेंथ में आ रहे हैं क्योंकि अवेकनिंग से गए हैं गाइस, हर्मिट कार्ड दिखा रहा है कि अवेकनिंग से गए हैं, तभी इस पर्सन का जो एक्शन है वो आपकी तरफ हो रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत सडन एक्शन ये होने वाला है, यहाँ पर जजमेंट दे रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है, कोई किसी की विश यहाँ पर पूरी हो रही है गाइस, आप चाहें तो रीडिंग को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, राइट, आप इस रीडिंग को चाहें तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ट्रू लवर से देखते हैं गाइस ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में ये आपको देख रहे हैं। देखिए शाइन कर रहे हो आप, मैं क्या बोली थी आपको, मैंने आपको बोला था, ठीक है, कि कौन सी एनर्जी है जो अच्छी होती है। देखिए यहां पर आप शाइन कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, ये एनर्जी में ये पर्सन आपको देख रहे हैं। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, डेफिनेटली आपने अपने आप को चेंज किया है, आपने अपने आप को चेंज किया, इस पर्सन को आपका एक नया वर्जन देखने को मिल रहा है, आपने अपने आप को चेंज किया 100%। मैनिफेस्टेशन, तभी ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, पुराने वाले इंसान को ये मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये उस इंसान को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं जिसके साथ ये रहे हैं, ये उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो नेक्स्ट वर्जन है, मतलब जो अपने ही आपका बेस्ट वर्जन है, ये उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपकी शाइन से, आपकी इस ब्राइटनेस से, आपकी इस ग्लो से, आपकी एक इस ऑरा से ये पर्सन अट्रैक्ट हो रहे हैं। सिल्वर वॉटरफॉल एंड बाउंड्रीज, तो यहां पर डेफिनेटली गाइस जिन जिन की भी खुशियां हैं, ठीक है, जो जो भी आपकी खुशियां हैं वो यहाँ पर आपके पर्सन खुद ही तोड़ेंगे बिकॉज ये आपको खुद ही अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये सिल्वर वॉटरफॉल ये आपकी खुशियां हैं और बाउंड्री यहाँ बहुत लंबे टाइम से इस पर्सन की तरफ से बनी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से आप ग्लो करते जा रहे हैं, आप हायर वाइब्रेशन में मूव कर रहे हैं, आप कंटिन्यूस शाइन कर रहे हैं, ये बाउंड्रीज अब इस पर्सन की तरफ से रह नहीं पाएगी बिकॉज आप ऑटोमेटिक वे में ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपकी ऊर्जा है गाइस जिस पर्सन को आकर्षित कर रही है। ओके, यंगर, लिब्रा, जून मंथ है, जी लेटर है, आर लेटर है, जनवरी मंथ है, वी लेटर है, स्कॉर्पियो, सिक्स नंबर है, फोकस, मार्च मंथ है, एम लेटर है, मई मंथ है, जेड लेटर है, एट नंबर है, ठीक है, मैसेज देखते हैं।
आई एम सेंडिंग यू साइंस दैट आई वॉन्ट बैक इन टू योर लाइफ. मैंने क्या बोला था, ये पर्सन आपको कुछ साइन भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हो. सकता है इस पर्सन का नाम आपको बहुत दिख रहा हो. आई वॉन्ट टू सी यू सो बैड. ये आपको बहुत देखना चाहते हैं, बहुत मतलब देखने के लिए बहुत बेताब हो रहे हैं. आई लव स्पेंडिंग टाइम विद यू. ये पर्सन को आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है. आई एम फाइनली स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड एंड बिकम मोर अवेयर ऑफ हु वी आर. ये पर्सन फाइनली समझ पा रहे हैं कि आप दोनों क्या हो, ठीक है, और धीरे धीरे ही सही समझ पा रहे हैं. सो ये गुड है गाइस, ठीक है, ये समझ पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है. और आपकी विशेष पूरी हो फुल मून पर, ब्लेसिंग्स हैं गाइस, ठीक है. और फुल मून ब्लेसिंग्स का आज एक वीडियो शाम को आएगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं मेरे न्यू चैनल पर. ओके सो गाइस, ये आपकी रीडिंग. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू गाइस.